Welcome to Arbind Singh Academy, and we are going to discuss today about the second lecture of cell. As we had discussed in the last lecture about the cell, that cell is a fundamental and structural form of living organisms, and we had discussed the three important components in the last class, that there is a cell, there are plasma or membrane, nucleus and cytoplasm. Let us discuss one by one what they work and how they are important. As they are present in almost every cell, so that is why we can discuss that what they are functioning and why they are present in almost every cell. So, plasma membrane ki baat karte hain, aur plasma membrane mein kya karta hai aur kaisa hota hai, zara samajhne ki koshish karte hain. Sabse pehle samajhte hain ki plasma membrane hota kya. This is the outer covering of cell, outer covering. Plasma membrane is outer covering of cell. इसका मतलब ये हुआ कि ये बाहर से कवर किया हुआ है, सेल को बाहर से कवर किया हुआ है, तो सेल से बाहर से कोई कवर किया हुआ है. कवर करने वाला कौन कवर करता है? जो प्रोटेक्ट करता है अंदर की चीजों को, कवरिंग. सो इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे इसको प्रोटेक्ट करता है. तो प्रोटेक्ट करता है तो और क्या करता है? ये दो काम करता है. एक काम ये करता है कि बाहर से अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एवरी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट मटेरियल इनसाइड द बॉडी, एंड एज ह्यूमन बीइंग वी हैव आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट मटेरियल, एंड वी आर ब्रीथिंग, एंड अंडर द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेल ऑक्सीजन. सो सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अंदर के जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होता है, उसको क्या करता है? वो बाहर निकालता है. अब सवाल है कि निकालता कैसे है? आउटर कवरिंग है और बाहर से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो कैसे निकालता है? ये निकालने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल करता है. और डिफ्यूजन क्या होता है ये आपको पता होगा कि स्पंटेनियस परजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन एटमोस्फियर, अचानक से सब जगह फैल जाना. डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच वन गैस और एनीथिंग मिक्स विद द अदर्स वेरी सॉफ्टली. सो इस तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसको बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या करता है? पास ऑन कर देता है. अब पास ऑन करेगा, सवाल है कि कब उसे पता चलेगा कि अभी हम बाहर पास ऑन करना है? तो जब अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड का. Diffusion is the process in which substance or gaseous substance transfer from high concentration area to low concentration area. तो अंदर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए और बाहर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो, तो क्या करेगा सेल के अंदर का ये मेम्ब्रेन, क्या करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कि अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को धीरे धीरे बाहर एक्सहेल कर देगा, बाहर निकाल देगा. इसी तरह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसी तरह से सेल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो यहाँ भी हर एक को क्या करना होता है? अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है उसको बाहर देना होता है, और बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेना होता है. जब अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो बाहर आता है, और बाहर से जब ऑक्सीजन अंदर में कम होता है तो बाहर से ऑक्सीजन भी अंदर चला जाता है. ये टू वे प्रोसेस होती है, अंदर से बाहर भी और बाहर से अंदर भी. बाहर से अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन. अंदर से बाहर क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और किस प्रोसेस से जाता है? इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच इट अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू गो आउट एंड ऑक्सीजन टू गेट इन वेन एवर they are moving from high concentration area to low concentration area. ठीक है ना? जहां पे concentration ज्यादा होगा वहां से जहां पे concentration कम होगा उधर की ओर क्या होगा? diffusion process से चला जाएगा. इसके अलावा ये और भी काम करता है. it allow or permits the other substance or molecule and material to get into the cell as well. इसका मतलब जैसे कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसको लेना है, कुछ विटामिन, कुछ फूड मटेरियल लेना है,
तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परमिशन के बिना नहीं जा सकता। इट परमिट्स और अलाउ, परमिट्स और अलाउ एक ही बात है, एक्सटर्नल फूड मटेरियल्स और मॉलिक्यूल टू गेट इनसाइड द सेल। इसका मतलब ये ऐसा हो गया कि ये मेम्ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है, ये मेम्ब्रेन एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहा है। जैसे बहुत सारा बड़ा कोई ऑफिस हो या कोई घर हो, कोई होटल हो, और बाहर में एक सिक्योरिटी गार्ड हो ऑफिस के बाहर, और क्या करता है वो पहले देखता है कि आपका आई कार्ड कहाँ है, जी आपका आई कार्ड है, और उसमें उसका नाम पढ़ता है, देखता है कि हाँ जी आपका इस ऑफिस का आई कार्ड है, तो आपको अंदर भेज देता है। जिस लोगों का पूछता है आप किस काम से आए, तो फलाने साहब से हमारी अपॉइंटमेंट है, देखता है उसके पास लिस्ट में अपॉइंटमेंट में नाम होता है तो उसको भी भेज देता है। जो काम के लोग हैं उनको बाहर भेजता है, और जो बिना काम के हैं उनको बाहर ही रोक देता है। सिमिलर लाइक हियर ऑल्सो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स सम ऑफ द मटेरियल्स और मॉलिक्यूल टू गेट इनसाइड, एंड इट गार्डेन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल। हार्मफुल मटेरियल जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंस है उसके क्या करता है, गार्ड करता है, मतलब उसको रोक देता है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से ये टू वे काम करता है, एक तरह से गार्डनिंग कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी लिख लो, ठीक है, लिखो जरा। कैसे लिखोगे? ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले इस स्ट्रक्चर को देखें तब आपको पता चलेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता कैसा है। इट लाइक दिस, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा होता है। अब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये जो अंदर के ये जो स्पेस है, ठीक है, इस पतली सी मेम्ब्रेन में भी इतना स्पेस होता है। अपर लेयर है जो हाइड्रोफिलिक रीजन है। हाइड्रोफिलिक रीजन का मतलब ये क्या है, वेट होता है, और ये वाटर को और बाकी चीजों को इसके जरिए लेता है और बाहर देता भी है। ये पूरा का पूरा जो रीजन ये देख रहे हो आप, ये सारा हाइड्रोफिलिक रीजन है। इसके अंदर, अब इस रीजन के अंदर देखो कि धीरे धीरे, डायरेक्ट नहीं है, धीरे धीरे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, दोनों टू वे प्रोसेस है। ये गार्ड है, ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाट डू एंड व्हाट नॉट टू डू, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो मस्ट राइट हियर, स्टार्ट राइटिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द outer covering of cell. It protects cell from outside or external environment. और क्या करता है बताओ? It permits or allow the molecules from external environment inside cell, ठीक है, external environment inside cell and waste material from cell to external environment. Right now, waste material from the process by which it permits the outside or external permits molecules from external environment inside
into cell, external environment, from external environment into cell is called diffusion. Is called diffusion. Is called diffusion. Called diffusion. Right now? The waste material that is CO2, passes from cell to external environment by process of diffusion. That is, diffusion is the process, you know, from where diffusion is a process, you know, must be. What is diffusion? Diffusion is a process. It is a process in which particles moves spontaneously from high concentration region to low concentration region. Concentration region. Right? So when concentration of CO2 is more inside cell than it diffuses into external environment as compared to it has low concentration, right? As external environment has low concentration. Similarly, when concentration of oxygen, that is O2, is low inside cell, then oxygen diffuses from external environment to the cell, that is from high concentration to low concentration again, that is from high concentration region to low concentration region. Right? एक ये बात हो गई और ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, नहीं? कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस होता है. अब सवाल है कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे? हर एक लिविंग बॉडी को कम से कम दो चीज जरूर चाहिए, एक एयर और दूसरा वाटर. इसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता.
तो लाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए कम से कम दो चीज तो जरूर चाहिए। फूड आइटम तो बाद में आता है, उसके बिना कोई दो चार दिन रह सकता है, 10 दिन 20 दिन 50 दिन, ठीक है ना। एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने 37 डेज भूखे रहे थे, ठीक है, तो इतना दिन का रिकॉर्ड है। कुछ अभी साधु संत है जो कह रहे हैं कि हम कई सालों से नहीं खाए हैं। कई ऐसे भी अभी न्यूज में आ रहा है कि एक संत है जो कहते हैं कि हम सन से सीधा डायरेक्ट एनर्जी हम इनहेल करते हैं और पिछले 30 सालों से हमने कुछ खाया नहीं है, कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, हवा भी नहीं पी, पानी भी नहीं पिया उन्होंने, वो सीधे सन से डायरेक्ट एनर्जी इनहेल कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली। तो लोग अलग अलग तरह की अलग अलग बातें कहते हैं, बट एटलीस्ट टू आइटम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज एयर एंड अनदर इज वाटर। तो ये दो चीजें, वाटर कैसे होता है सेल, सेल के अंदर, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे जिंदा रहता है, तो जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन का होना तो जरूरी है, सांस लेना तो जरूरी है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीजन कैसे इनहेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सहेल होता है, ये दोनों बातें हमने बताया कि कैसे हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए होता है। अब पानी कैसे पीता, सवाल है कि वाटर कैसे पीता होगा, एक ही सेल है, वाटर कैसे लेता होगा। सेल में भी एक सेल है, लेकिन उसके एक एक हिस्से के, सेल के एक एक हिस्से में अलग अलग स्पेसिफाइड वर्क होता है। जैसा कि हमने बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि बड़े सारे लोग होते हैं और बड़े सारे लोग अलग अलग काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना। बड़े सारे सेल्स होते हैं तो बड़े सारे अलग अलग काम करते हैं वो सेल सारे, और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। उसी तरह से जैसे एक बड़ा परिवार है, उस परिवार के अंदर बहुत सारे लोग हैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ काम बटा हुआ है, पिछली क्लास में हमने बताया था, है ना, कि ये बाजार जाएंगे, सब्जी लाएंगे, लाइक दिस। यहाँ पे एक ही सेल है, उसके अंदर एक छोटा सा उसका पार्ट है जो कि एक स्पेसिफिक वर्क कर रहा है, उसको कहते हैं ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स मतलब ऑर्गन का पार्ट, ऑर्गन लाइक है, तो ऑर्गन नहीं बट ऑर्गन लाइक है, एक काम करता है। तो इसलिए सिलेक्टली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको भी कह सकते हैं, उस पार्ट को, और इस पार्ट के जरिए वाटर जो होता है वो डिफ्यूज होता है। अब वाटर भी डिफ्यूजन रूल को फॉलो करता है, लेकिन वाटर डिफ्यूजन होने का जो बेसिक है वो क्या है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस इन विच वाटर डिफ्यूजेज फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनटू सेल एंड फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहां भी टू वे प्रोसेस है ना। तो ये कैसे काम करता है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं कि वाटर कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर की तरफ और अंदर के एनवायरनमेंट से, अंदर सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाता है। इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं, तब आपको समझ में आएगा, फिर हम ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। क्या करते हैं, कैसे करोगे? देखो, आप एक एग ले लो, एग को लेकर के डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दो। जो एग का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, जो व्हाइट फिश होता है, वो किसको बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3, इसका बना होता है, इसलिए व्हाइट फिश होता है। उसको अगर आप डालोगे HCl में तो CaCO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और CaCO3 जो है वो ब्रेक हो जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। ये सब एक्सपेरिमेंट तो पड़ा होगा। तो क्या होगा कि उसको डालने के बाद उसका ऊपर का जो लेयर है, जो व्हाइटिश पार्ट है, वो सारा निकल जाएगा, वो सारा अपने आप बाहर हो जाएगा, घुल जाएगा, और क्या बच जाएगा? एक लेयर बच जाएगा जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अंडे को तोड़ करके भी देखोगे अंदर एक पत्ती से झिल्ली होती है, उस झिल्ली को मेम्ब्रेन कहते हैं, वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के जितने भी फ्लूइड पार्ट है एक का, उस सबको रखे हुए है। अब ना उसको बाहर जाने दे रहा है ना बाहर से अंदर आने दे रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आउटर कवरिंग है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, फ्लूइड को फ्लो नहीं होने दे रहा है ना, जो इनसाइड मटेरियल है उसको बाहर नहीं जाने दे रहा और बाहर से किसी चीज को अंदर नहीं आने दे रहा। अब आप उसको क्या करो कि वहां से निकाल के किसी तरीके से और फ्रेश वाटर में डाल दो। फ्रेश वाटर में जब डाल दोगे तो 5 मिनट बाद देखोगे कि वो स्वेल हो गया, उसने वाटर एक्सटर्नल एनवायरमेंट से ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए क्या किया,
अंदर ले लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए वाटर जो है वो डिफ्यूज होकर के अंदर आ गया, और डिफ्यूज होकर अंदर आ गया इसलिए उसका आकार जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, बड़ा हो गया इसका मतलब क्या है कि बाहर में प्योर वाटर था उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज वेरी लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज वेरी हाई, एंड इन साइड यहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है वाटर का लो है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर आ गया। अंदर में सिर्फ वाटर ही तो नहीं होता ना, एक के अंदर में तो बहुत सारा और भी मटेरियल होता है, वाटर तो बहुत मामूली सा होता है, और बाहर में बहुत ज्यादा वाटर है तो बाहर में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बहुत ज्यादा है, और अंदर में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बहुत कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर वाटर का ट्रांसफर होगा। अल्दो ये टू वे ट्रांसफर होता है, बट नेट जो होता है अंदर से बाहर भी जाता है और बाहर से अंदर भी आता है, बट नेट जो है वो क्या है कि बाहर से अंदर आता है। तो जब ज्यादा बाहर से अंदर वाटर मॉलिक्यूल आ गया तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो इवन विथ नेकेड आई कि हाँ उसका साइज जो है पहले से बड़ा हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा कैसे हुआ, पानी बाहर से अंदर आया, आया कैसे, बाहर से तो चारों तरफ से बंद है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए, तो आया कैसे होगा, कोई छेद तो किया नहीं उसमें, कोई पाइप तो लगाया नहीं है, तो आया कैसे होगा, आया होगा उससे ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, दिस इज ऑल्सो विद लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एंड वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आगे मूव कर गया। अच्छा, दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको उठा करके एक सही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपने डाला हुआ है और वहां से निकाल के फ्रेश वाटर में डालने के बजाय साल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन में डाल दो। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन में डालोगे तो सॉल्ट की डेंसिटी वहां पे क्या होगी, ज्यादा, यानी सॉल्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है कम, सोल्यूट ज्यादा है तो सोलवेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी कम, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है बाहर में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें रखा है उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है और एक के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट, तो क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, इसका मतलब एक के अंदर का वाटर बाहर डिफ्यूज होकर के जाएगा। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोसिस, और इससे क्या होगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एग विल श्रिंक, गॉट द पॉइंट, एग विल श्रिंक, इट सीम्स टू बी स्मॉल इन साइज, इसका मतलब अंदर से पानी बाहर गया और बाहर से पहले के इसमें अंदर आया, बिना मेम्ब्रेन को ब्रेक किए वाटर कैन फ्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, सो इट इज ऑल्सो ए टू वे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो लेट मी डिस्कस एंड शो यू हाउ दिस हैपन, ये देखो, ये पहले हमने क्या किया कि एक को यहां पे इस सॉल्यूशन में डाल दिया, देखो एक को डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या है, ये है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, HCl, यू नो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये डाल दिया इसके अंदर। अब ये एक डालने के बाद ये क्या हुआ, आप पर जो आउटर लेयर पे कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट वो किसमें रिएक्शन कर गया, HCl से, और रिएक्शन करके क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है, H2O रह गया इसके अंदर, ये H2O रह गया और CO2 इससे बाहर निकल जाएगा और ये जो मटेरियल बच गया ये क्या है, CaCl2, तो इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड, तो ये चीज बच गया। अब इसको निकाल करके और क्या किया हमने, इस फ्रेश वाटर में रख दिया, और फ्रेश वाटर में पहले इसमें 70 ml, 80 ml पानी था, इसमें पूरा यहाँ तक 80 ml पानी था, और पानी तो उतना ही रहेगा ऑलमोस्ट, लेकिन ये क्या हुआ कि अंदर से बाहर स्वेल कर लिया और ये इसका आकार जो है पहले के मुकाबले, यहाँ देखो और यहाँ देखो, इसके मुकाबले इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, स्वेल फूल गया, ये क्या है, फूल गया, तो ये पानी अंदर से आ गया ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए, और ऑस्मोसिस प्रोसेस से ये पानी जब अंदर आया तो ये स्वेल अप हो गया। इसके बाद अगर इसको हमने फिर थोड़ा नमक डाल दिया, ये NaCl जो आप साधारण नमक खाते हैं, ठीक है, कॉमन साल्ट, दिस इज कॉल्ड
कॉमन सॉल्ट, ये अगर आपने इसमें डाल दिया इस वाटर में तो इसका थोड़ा सा ऐसा सेप हो गया, और इसमें डालने के बाद उसकी साइज जो है वो क्या हो गई, स्मॉल, दैट विल बी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। और इस प्रोसेस से हमें क्या पता चल गया कि ऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, एंड ड्यू टू ऑस्मोसिस प्रोसेस वाटर कैन कम इनसाइड द सेल एंड इट कैन गो इन आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट, आउटसाइड इन आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, राइट। सो लिखो पहले, थोड़ा लिख लिया जाए फिर से, नहीं कि ऑस्मोसिस क्या है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसमें हुआ क्या है बेसिकली। एक सेल इज समहाउ, यू मे अंडरस्टैंड इट, थोड़ा सा दिखाऊं मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन, थोड़ा देखो, एक सेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जैसा कि हमने कहा, एंड द विनेगर इज, विनेगर मीन्स एसिड, HCl इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड, इथेनोइक एसिड इवन कैन बी यूज, व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द एसिड द प्रोडक्ट विल बी सॉल्युबल सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बताया अभी आपको हमने इसमें डाइल्यूट HCl इथेनोइक एसिड भी डाल सकते हैं कि ये रिएक्शन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl डाइल्यूट HCl HCaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 वाट जो है गैस वो रिलीज होगी। तो H2O प्लस CO2, ये थोड़ा साफ साफ लिख दूं, H2O प्लस CO2 रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, CO2 रिलीज होगी। द सेल सॉलिड डिजॉल्व, जो बाहर का सेल है वो डिजॉल्व हो गया, एंड द ओनली थिंग लेफ्ट होल्डिंग द सेल टुगेदर विद एग मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो विच इज फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेची, सो एग इज एबल टू बाउंस इवन, ठीक है ना। सो ये हो सकता है और ये स्वेल अप हुआ। तो सबसे पहले अब हम क्या है कि एक परमिएबल मेम्ब्रेन भी है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस लिखो, ठीक है, ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस, ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस इन विच वाटर डिफ्यूजेज फ्रॉम सेल टू आउटसाइड एनवायरनमेंट और एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। मतलब उल्टा उसके कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खास पार्ट होता है, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, द पार्ट ऑफ द सेल, पार्ट ऑफ द सेल विच परफॉर्म ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑर्गेनल्स, एंड दस प्लाज्मा ऑर्गेनल्स, और इसको कहेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑर्गेनल्स क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल्स होता है द पार्ट ऑफ सेल विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन और एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनल्स। लिख लेता हूं यहां पे, ऑर्गेनल्स क्या होता है, जरा अलग से लिखिए,
the part of cell which perform a specific activity inside cell is called organelles. Right? Organelles. That is called organelles. Right now? Part of this, that is perform a specific. So in cell there is a different organelles and they are performing a different action. So we are discussing this, that how osmosis takes place inside the cell. अब दो बातें होगी, दो क्या तीन बातें होंगी, या तो हम किसी सॉल्यूशन में उसे एक को डालें तो न साइज बढ़े न घटे, एज इट इज रह जाए, और दूसरा साइज उसका बढ़ जाए, और तीसरी बात क्या हो सकती है, साइज उसका घट जाए. तो तीनों इवेंट जो है, तीन तरह के इवेंट हो गए ना, एक जिसमें वाटर को लिया अंदर, इनहेल किया, एक्सेप्ट किया, और दूसरा जिसमें वाटर रिलीज किया, और तीसरा जिसमें न लिया न दिया, जैसे थे वैसे ही हैं. तीन बातें हो गई. इन तीनों का तीन नाम दिया गया, ठीक है ना, इन तीनों का तीन नाम दिया गया, ठीक है. आइसोटोनिक मतलब न लिया न दिया, जैसे थे वैसे ही हैं. और ये कब होगा, जब जितना अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही बाहर का कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको क्या कहेंगे, आइसोटोनिक. क्या कहेंगे, आइसोटोनिक. ठीक है, समझ आ रही बात. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थ्री डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन वन देयर इज अ वाटर गेन अप, दैट इज एग इज स्वेल अप, और एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक वाटर इनसाइड द सेल, एंड द सेकंड केस इन व्हिच वाटर इज लूजेज बाय द सेल, that is in case of egg what we are discussing, and the third in which nothing will happen. So the first case in which water gains by the cell, when it happen, when the concentration of water is more in external environment as compared to the internal inside the cell, then water will be gain up, and in this case egg will swell up, or any organism, any cell will swell up. That process is called, what is this, hypotonic. So hypotonic, note down this, let me write here, hypotonic solution. First one is three type of solution, right here, three type of solution. First one is hypotonic solution. A solution in which concentration of water in external environment is more than concentration of water inside cell. In this case, amount of water gains by cell, and that solution is called what is this, hypotonic solution, right?
So here net water will be inside. The second one is isotonic. Second, isotonic solution. When concentration when concentration of water in external environment is same as concentration of water inside cell, then even though water will flow in both the direction, but the net gain or lose is zero. In this case, what will happen? The size will remain same. In this case, size of cell will remain same. That type of solution is called isotonic solution. I hope you got it. Same as outside environment, concentration of water level is same inside the environment, as same as outside environment, that solution is called isotonic solution. Hypertonic solution. The third is hypertonic solution. इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये है क्या बच्चों, देखो जरा, ये है आइसोटोनिक और ये है पूरा का पूरा, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा कॉर्न सिरप, ये है हाइपरटोनिक, प्योर वाटर हाइपोटोनिक एंड साल्ट वाटर क्या है यहाँ पे आइसोटोनिक, डिपेंड करता है कि आपने डाला क्या है। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पे, एक जो चीज है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, तीन तरह के सॉल्यूशन आपको फिगर में दिख रहे हैं। और इन तीनों तरह के सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक में क्या होगा, मोट वाटर डिफ्यूजेड आउट ऑफ द एग में से निकल के जाएगा, तो एग क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और हाइपोटोनिक में क्या होगा, इट विल टेक द वाटर फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मोर वाटर डिफ्यूज इनटू ए, मोर वाटर डिफ्यूजेड इनटू एग, राइट ना, एंड हियर दिस इज इनटू ए एंड हियर आउट ऑफ द वे इक्वली, जितना आया उतना ही गया। तो इस तरीके से इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। तो हाइपोटोनिक इन दिस केस द नेट अमाउंट ऑफ वाटर इज आउट इनटू द external environment from the cell as the concentration of water in outside environment
outside environment is less than the concentration of water inside cell. That solution is called what? Called hypertonic. Hypertonic solution. That solution is called hypertonic solution. Called hypertonic solution. ठीक है, तो देखो ये सेल के बारे में हमने यहाँ पे एक और भी दिया हुआ है. देखो ये सेल है और ये सेल जो है पहले इसकी साइज 10 सेंटीमीटर, ओरिजिनल साइज है 10 सेंटीमीटर. बाद में इसकी साइज जो हो गई है वो दूसरे में जब ये हाइपोटोनिक हुआ तो 12 हो गई, बढ़ गई. आइसोटोनिक में इसकी सॉल्यूशन सेम साइज रहेगी और बाद में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर उसको हम रख देंगे किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में. तो इस तरीके से ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए कोई भी सेल लेता है और बाहर एटमॉस्फेयर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वाटर लेता है और क्या करता है, ज्यादा वाटर होने पे बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को छोड़ता है. ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये सब इसी तरह से वाटर लेते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ज्यादा होता है तो देते हैं. इस तरीके से ये काम चलता रहता है. ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच. गॉड